महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों आज हम दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों तो दोस्तों इस वक्त दोस्तों मैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों इस प्राचीन यूनिवर्सिटी के अंदर और इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अभी हम एंट्री कर चुके हैं दोस्तों जो नालंदा की यूनिवर्सिटी है दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को दोस्तों 5वीं शताब्दी में दोस्तों गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और दोस्तों काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये कम से कम 30 एकड़ जगह में फैली हुई है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो हम भी चलते हैं दोस्तों अंदर। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए बच्चों को अत्यंत कठिन परीक्षा देनी होती थी, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे जो पेपर पास करते थे। राजा के द्वारा इस विश्वविद्यालय को 200 गांव मिले हुए थे, उन 200 गांव से जो भी आय होती थी वो सभी आय बच्चों की शिक्षा, वस्त्र और दवाइयों के लिए उनका यूज़ किया जाता था। दोस्तों इस वक्त दोस्तों हम सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी जिसे बोल सकते हैं विश्वविद्यालय दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों जो कि पटना से 75 किलोमीटर दूर नालंदा में है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों, दोस्तों ये जो गोलाकार दोस्तों चौतरे बने हुए हैं दोस्तों, इन पर बैठकर बच्चे मेडिटेशन ध्यान करते थे। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये दोस्तों इस विश्वविद्यालय में दोस्तों मंदिर थे दोस्तों यहाँ पर, और ये जो टूट फूट हुई है इसके बारे में दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। और ये दोस्तों इस जो मंदिर है दोस्तों, इसमें उनकी संख्या दोस्तों 12 से 14 आंकी गई है दोस्तों, और अभी दोस्तों खुदाई चल रही है, और देखते हैं दोस्तों आगे कितना कुछ क्या मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये काफ़ी बड़ी थी। और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दोस्तों इस विश्वविद्यालय का मंदिर था। इसी तरह के 10 मंदिर और इस विश्वविद्यालय में थे, काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ था, कम से कम 30 एकड़ जगह में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ था। और इस विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे जो उनको पढ़ाते थे। और दोस्तों बताया जाता है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने 00 की खोज की थी, वो भी यहाँ के अध्यापक रह चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के। और ये काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तहस नहस कर दिया, और सबसे ज़्यादा खिलजी था, उसने इसको नुकसान पहुँचाया। और देखिए काफ़ी दूर दूर, और इस जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल वगैरह थे, 200 से 300 हॉस्टल थे यहाँ पर, जिनमें हर हॉस्टल के अंदर दोस्तों 30 से 35 बच्चे रहते थे। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो नीचे मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो, ये और ये,
ये दोस्तों किस लिए थे, यहाँ पर दोस्तों बैठकर बच्चे मेडिटेशन वगैरह करते थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन देशों से भी यहाँ के जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। और ये मैं पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी भी दोस्तों विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं इसको। अगर ये यूनिवर्सिटी ठीक होती तो कितना मज़ा आता। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसके अंदर आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। ये मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि उस समय भी दोस्तों इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहते थे तो उनको रहने के लिए कमरे दिए जाते थे दोस्तों। तो ये कमरे दोस्तों इस तरह से होते थे, ये देखिए दोस्तों ये कमरा है, ये कमरा है दोस्तों, ये दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों एक ये कमरा होता था और ये दरवाज़ा होता था, ओनली एक दरवाज़ा होता था। और ऊपर से दोस्तों छत होती थी जो कि टूट चुकी है, क्योंकि काफ़ी इस यूनिवर्सिटी पर 2 से 3 बार दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया दोस्तों। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों बच्चे रहते थे दोस्तों, उनके लिए दोस्तों एक कमरे बनाए गए थे, हर एक कमरे में दोस्तों एक एक विद्यार्थी रहता था। और इस तरह के दोस्तों ये 35 कमरे हैं दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों वहाँ तक दोस्तों। इस तरह के दोस्तों 35 बच्चे एक ब्लॉक में रहते थे, और ऐसे ब्लॉक दोस्तों 300 से 400 ब्लॉक है इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कमरा होता था ताकि इसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ दरवाज़ा और ये ऊपर में दरवाजा तो नहीं होता था, ऊपर छत होती थी। और इस तरह से दोस्तों 35 बच्चे हर एक ब्लॉक में रहते थे, और ऐसे दोस्तों 300 से 400 ब्लॉक हैं दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों। और काफ़ी, और अगर ये यूनिवर्सिटी दोस्तों ना टूटती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि काफ़ी प्राचीन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं इसे। और बाकी बेड़ा गर्क हो उन आक्रमणकारियों का, और सबसे ज़्यादा खिलजी ने दोस्तों इस जो यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया है, अगर वो यहाँ पर ना आते तो आज हमारे भारत में ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल अच्छी तरह होती, बिल्कुल अच्छे हालत में होती। पर चलो, उन्होंने तो अपना कर दिया जो करना था, अब बाकी हम क्या कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम सिर्फ आपको इतिहास बता सकते हैं, और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये ब्लॉक थे दोस्तों, 300 से 400 ब्लॉक थे। तो हमने अभी नालंदा यूनिवर्सिटी देखी, उसके बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं, और अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ दोस्तों राजगीर के लिए, क्योंकि आज दोस्तों हमें राजगीर पहुँचना है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने के लिए दोस्तों आपको 40 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जो विदेशी होते हैं उनको दोस्तों 600 रुपये पे करने पड़ते हैं। बस यह है कि मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, एक भाई था मेरा फ्रेंड, तो यहीं का था भाई, उसने मुझे फ्री में एंट्री दिलवा दी, तो थैंक यू भाई का बहुत बहुत। नाम तो मैंने इसको नहीं पूछा, पर प्रभात भाई थे उनके दोस्त थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर एंट्री दिलवाई है बिल्कुल फ्री, मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ा। तो थैंक यू प्रभात भाई आपको, और भाई का भी जिन्होंने मुझे एंट्री दिलवाई, थैंक यू भाई बहुत बहुत।